1997 है, मैं किसान हूँ और जिससे कि बेटे मेरा यू तो दिल है, 54 साल हो गए बेटे, अगर यू चले गए तो मैं भी मर जाऊंगा। सड़कों पे दौड़ाएगा तो बैन कर देगी सरकार कब्जे बेटे बेटे हम भी बूढ़े हो गए, लेकिन इसकी गली तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। लेकिन आज ट्रैक्टर कोई ट्रैक्टर लिया, प्रदूषण हो या कोई कमी हो तो जो जो सरकार जुर्माना करा वो कर सका, ऐसा ट्रैक्टर मरगाड सारे चीज ओके उस दिन कार्या। तो बिल्कुल क्या घरवाली की तरह इसको बिल्कुल रखा आपने बेटे, बेटे यू घरवाली तो भी प्यारा, घरवाली तो भी प्यारा है बेटे, और जब का करारी लड़ाई हुई ना तो वो अपने घर थी, उसका पता आया जब सारे तंगे पंगे बंद हो गए थे, फिर युता हुआ ट्रैक्टर चलिया और बिठा कर ले आया पानी में भी। काली की तरह प्यार करो इसको। बेटे देखे ये लो पुत्ते। एक समय सिंह संधू है जो कितना पुराने ट्रैक्टर को लेकर तकरीबन 7 साल पुराने ट्रैक्टर को लेकर जिला सचिवालय के लिए रवाना हो चुके हैं। 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को बैन करने का मामला किस तरह से किसानों का जो प्रोटेस्ट है। मेरी रोटी है हाँ बेटे, क्या चौके में अगर लेके जाते हैं सड़कों में पुलिस पकड़ लिया तो बेटे मना भी पकड़ेगी, मैं भी 71 साल का लिया 72 का जरा यू जाएगा हम भी देंगे बूढ़े, खट्टर तो बड़ा है यू, खट्टर भी तो बैठे मुख्यमंत्री। आपके दादा और पिता भी यही ट्रैक्टर चलाते थे बेटा, यू तो जी मैं जवान होया था जी मैं ट्रैक्टर पाली करे थे, यू तो जी जो है ना सरू का ट्रैक्टर है, 147 में ट्रैक्टर है हिंदुस्तान का। सरकार क्यों बैन कर रही है 10 साल पुराने व्हीकल को बेटे, न्यू कर रही एक कंपनी आ गए ट्रैक्टर को नहीं बिक रहे और जो है उनकी दुकान खुल जाएगी, तो यू सरकार ने सौदा कर लिया, अब ये सारे डोबरे बेच का नोया आ जाएंगे, देश कंगाल हो जाएगा। तो आपका डीसी ऑफिस चल रहे हैं और ही जाऊंगा लेकर, तो देख सकते हो आप डीसी ऑफिस के लिए किसान इस समय रोना होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जिला सचिवालय करनाल में किसान इस समय रवाना होते हुए डीसी ऑफिस के लिए रवाना होते हुए जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। 7 साल पुराना ट्रैक्टर, किसान का 7 साल पुराना ट्रैक्टर जिस पर किसान रवाना हो रहे हैं डीसी ऑफिस के लिए, हैंडल मारकर स्टार्ट किया जाएगा, हैंडल मारकर स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, ये ताऊ समय सिंह संधू का ट्रैक्टर है जो 7 साल पुराना है। पहलवानों से स्टार्ट करके दिखा दो, हाँ भाई मारो हैंडल, कोई ना स्टार्ट भी कर दिया। ताऊ समय सिंह संधू हैंडल मारकर इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हुए डीसी ऑफिस के लिए रवाना होते हुए बड़े साल पुराना संधुओं का ट्रैक्टर, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, 7 साल पुराना ट्रैक्टर लेकर समय सिंह संधू रवाना हो चुके हैं डीसी ऑफिस करनाल के लिए। यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है सरकारों की तरफ से जो 10 से 15 साल पुराने व्हीकल्स को जो बैन कर दिया गया उसको लेकर किसान आप देख सकते हैं समय जिला सचिवालय करनाल से किस तरह से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। किसान सड़कों पर है क्योंकि 10 से 15 साल पुराने व्हीकल्स को जो सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया उसको लेकर इस समय आप देख सकते हैं कि किसान समय सिंह संधू इस ट्रैक्टर को लेकर जिला सचिवालय के लिए रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसान इस समय ट्रैक्टर पर ही डीसी ऑफिस के लिए रवाना हो चुके हैं। धर्मशाला करनाल से किसान समय सिंह संधू का ट्रैक्टर
60 साल पुराना ट्रैक्टर रवाना हो चुका है। किसान जो है किस तरह से अनोखे तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर हाथ से स्टार्ट होता है, संधू आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और समय सिंह संधू ने बताया कि ये सब जवान थे तब उन्होंने ट्रैक्टर लिया, उनके पिता भी चलाते थे, ये भी चलाते थे, और किस तरह से जो किसान है वो रवाना हो चुके हैं करनाल की जाट धर्मशाला से डीसी ऑफिस के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, अनोखे तरीके का ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। गौरतलब है कि किस तरह से हरियाणा सरकार ने जो आदेश दिए हैं कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुराने पेट्रोल के व्हीकल्स को जो बैन करने जा रही है सरकार, उसको लेकर किसान ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की भी हमारी भी 10 साल पुरानी ऐसी गाड़ियां हैं जो बिल्कुल ओके कंडीशन में है, वो किस तरह से बैन होंगी। आखिरकार गरीब आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली से आदमी है वो आखिरकार कैसे जो है मिडिल क्लास का व्यक्ति नई गाड़ियां ले पाएगा अपनी पुरानी सही गाड़ियों पर बेचकर, ये सवाल भी बड़ा गंभीर उठता है। समय किसान तमाम लोग जो है समय रवाना होते हुए डीसी ऑफिस के लिए, हमारी सिर्फ आप सभी से अपील, क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी आज की? आज की तैयारी है जो ये लठ तंत्र के आधार पर कानून लेकर आती है सरकार, ये लठ तंत्र के आधार पर इनका कानून नहीं चलेगा। कानून जनता के लिए बनाए जाते हैं ना कि थोपे जाते हैं। जब आज भी नई गाड़ियां 15 साल पास होकर आती है, 10 साल में बंद करने का कोई हक नहीं बनता। जो एक आदमी ट्रक लेता है 40 लाख का, वो 10 सालों में उसकी किस्त पूरी करता है, फिर सोचता अपने बच्चों के लिए इसके लिए कमाऊंगा कुछ, और ये कहते हैं स्क्रैप करा दो, बिल्कुल ये इनका कानून चलने नहीं देंगे। और आज ज्ञापन सौंपेंगे, नहीं मानेंगे तो बड़ा आंदोलन भी होगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े, क्या इस कानून को भी वापस दिलवाएगा किसान? वो तो एक वर्ग का आंदोलन मान लिया गया था, फिर भी इनको वापस लेना पड़ा। ये हरियाणा प्रदेश की जनता का आंदोलन है और ये किसी संगठन का आंदोलन नहीं है, ये आम जनता अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी लड़ाई खुद लड़ने आई है। हमारे साथ एक फॉलोवर जुड़ रहे हैं, रंधावा जी हैं, जो सऊदी से हैं, वो कह रहे हैं 20 साल पुरानी गाड़ियां तो सऊदी में भी चल रही है तो यहाँ क्यों बैन कर रहे हैं? बिल्कुल 90-90 मॉडल पुरानी गाड़ियां विदेशों में चलती है, उनका फिटनेस टेस्ट होता है, वो पास करती है गाड़ियां और वो चलती है सड़कों पर। वो गाड़ी नहीं चल सकती जो अगले को नुकसान पहुंचाए, वो खराब हालत में हो। नई गाड़ियां पड़ी हैं, ये कहते हैं स्क्रैप करा दो। एक आप छोटी सी बात और सोचने वाली है, सालों का इसमें कोई मैटर नहीं है। एक आदमी है जो एक साल में 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाता है, एक मजदूर गरीब एक ऐसा आदमी भी है जो 10 सालों में 50,000 गाड़ी चलाता है, सालों का क्या मैटर करता है इसमें? ये लोगों को लूटना चाहते हैं, कारपोरेटों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और जो आम मिस्त्री है उनको भी खत्म करना चाहते हैं, डीलर को भी खत्म करना चाहते हैं, पर ये होने नहीं देंगे। बिल्कुल लड़ाई डटकर लड़ाई लड़ेंगे, पर्चे करें, डंडे मारे, कुछ करें, ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये कानून वापस नहीं होता। तो बिल्कुल किसान इस समय रवाना हो चुके हैं, जिला सचिवालय के लिए किसान रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, करनाल की जाट धर्मशाला में इस समय मौजूद है। इस समय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे जो सरकार गाड़ियों को बैन कर रही है? ये जो सरकार का तानाशाही फरमान है ये हम कभी भी लागू नहीं होने देंगे। हम अपने परिवार के साथ जितने ट्रांसपोर्टर हैं सारे सड़कों पे उतरेंगे, सरकार को ये कभी भी लागू नहीं होने देंगे। एक गाड़ी से 10 परिवार रोटी खाते हैं, ये उद्योगपतियों के हाथों में बिक के तानाशाही फरमान रात्रि अपने ऑफिस में बैठ के कर देते हैं, कभी भी ये लागू नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। बिल्कुल किसी भी कीमत पर इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, इस तरह की बात करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, यह जन आंदोलन के रूप में निकलकर सामने जरूर आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों की गाड़ियों को बैन किया जा रहा है, बल्कि आम लोगों की गाड़ियां जो 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, उनको भी बैन किया जा रहा है। जगदीप सिंह ओलख, क्या बताना चाहेंगे जो आज का प्रोटेस्ट है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, आज जो सरकार एक नियम लेके आई है भाई, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल, उसके खिलाफ करनाल की क्रांतिकारी धरती से आज शुरुआत कर दी है, और इसको इस नियम को किसी भी प्रकार से हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ करना पड़े। आज करनाल की धरती में मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया जाएगा, करनाल मुख्यमंत्री का घर है, और आज यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं और पूरा हरियाणा इसके साथ खड़ा है, और आज ज्ञापन देंगे इसके खिलाफ। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लाखों लोगों को बेरोजगार करने की तैयारी है। सरकार आज रोजगार देने में असफल है, पर आप रोजगार छीन नहीं सकते, ये रोजगार छीनने का कानून है, इसको किसी भी प्रकार लागू नहीं होने देंगे। आप देख सकते हैं समय हमारे साथ देवेंद्र बलारा है, देवेंद्र बलारा तो पिछले दिन आपको याद है चंडीगढ़ में एक मामला सुर्खियों में आया था, मास्क लगाने को लेकर किस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, वो भी अब एक पत्रकार की भूमिका में नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज तो काले चश्मे लगाकर पत्रकार बने हुए हैं भाई साहब। ये सीन क्या है कि जनता को जागरूक करना पहला काम है, जनता को ये
ये बताना काम है कि ये कोई कानून प्रदूषण कम करने के लिए नहीं है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। जो आपका मुंह बंद किया जा रहा था, जो आपके शरीर में केमिकल डाल के आपको बीमार किया जा रहा था, जो आपके पास जबरदस्ती साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चल रहे थे, जो आपके बीच के कानून है, मॉडल एपीएलएम एक्ट है, पानी का कानून है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट है, उसी के तहत ये कारों का कानून आया है कि आने वाले वक्त में प्रदूषण के नाम पर आपको गुस्से लकड़ी तक जलाने से बंद करने वाले हैं। ये आपकी जिंदगी के ऊपर टोटल कंट्रोल करना चाहते हैं और आपको चाहते हैं कि आप पूरी तरह से इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। आप इनकी मर्जी के बिना घर से बाहर ना निकल पाओ, आप इनकी मर्जी के बिना कुछ कर ना पाओ, आप इनकी मर्जी के बिना कोई सवाल, ये जब तक ये बोलते रहे तब तक आप जैसा ये कहे वैसा करते रहे। इसकी टेस्टिंग इन्होंने इस पूरे 2 साल में कर ली है। भारत सरकार एक नई ट्रीटी साइन कर रही है WHO के अंडर में, अगर वो साइन कर लेती है तो अगली महामारी जिसका जिक्र बिल गेट्स कर चुका है कि एक और महामारी आने वाली है, ये जो अभी आई थी इसके बारे में भी पहले बोल चुका है वो 2 साल पहले, और जो इवेंट 201 किया गया था जॉन हॉपकिंस में, अभी ये खेल भी उसी के अंतर्गत है। आप ये समझिए पूरा का पूरा षड्यंत्र आपको पूरी तरह से डिपेंडेंट और कंट्रोल में करने के लिए है। ये गाड़ियों वाला जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बनता था वो किस काम का, जो टैक्स ले रखा था वो किस काम का, जो टोल टैक्स लेते हो वो किस काम का। आपने जब गाड़ियां बंद करनी, 80% लोग, असली खेल है आपके घरों से मेटल निकालना। आपके घर से मेटल कौन सी, लोहा निकालना, ट्रैक्टर हो, इंजन हो, कस्सी वगैरह, तो आपकी वो मूर्ति बनाने में मंगाई थी, देख लो कितना लाखों टन लोहा मंगा लिया। किसान के घर में लोहा नहीं रहना चाहिए, सोना नहीं रहना चाहिए, चांदी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो अपने आप खा लेगा। उसके घर में उसकी मर्जी का डंगर नहीं रहना चाहिए, इसलिए बीज खराब दे दिए डंगरों के, अब जो डंगर इस तरह के बीमार होते हैं। उसके घर में खेती उसकी मर्जी की नहीं होनी चाहिए, इसलिए बाजार से बीज लाना पड़ता है। उसकी खुद की औलाद भी उसकी मर्जी से नहीं होगी अगर इनके हिसाब से चलते रहे तो। IVF आन लग रहे हैं, सेंटर रोज बढ़ रहे हैं, आप आने वाले टाइम में लगातार बीमार होने वाले हो। आपको पोल्यूशन का नाम लिया जाएगा लेकिन पोल्यूशन का कोई रोल नहीं होगा। असली खेल है आपको कंट्रोल करना। ये जो गाड़ियां लेने का असली और दूसरा खेल है कि अभी जो गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लोग अपने आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं, उनके ऊपर पूरी तरह ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। तो ये गाड़ियां खत्म करके एक तो काम हो जाएगा कि लोहा खत्म हो जाएगा, दूसरा काम हो जाएगा कि नई गाड़ियां जो आएंगी वो GPS एनेबल्ड आएंगी। GPS एनेबल्ड गाड़ी अगर आती है तो ये समझिए कि आपको जहां चाहे वहां ट्रैक कर सकते हैं, पूरी गाड़ी में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हो सकती है। और नंबर 2, किल स्विच इसके अंदर है। किल स्विच मतलब जहां चाहे सरकार आपकी गाड़ी को रोक सकती है और आपको वहां पे धर सकती है। यानी कि किस तरीके से काफी संख्या में किसान जो है आज जार धर्मशाला में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इनका कहना है 10 साल और 15 साल, हालांकि 10 साल जो गाड़ियां हैं डीजल की बात बंद करने की बात सामने आई थी और 15 साल पेट्रोल गाड़ियों की बात सामने आई थी, और अब देखते हैं कि उसका जो विरोध है कहीं ना कहीं किसानों में दिखता हुआ नजर आ रहा है। किसानों का ये कहना है कि सिर्फ किसानों को नहीं, आम जनता को, सभी को जो इसका नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी गाड़ियां ऐसी है जो अभी तक जो है काफी अच्छी कंडीशन में जैसा सलामत चलती हुई नजर आ रही है, उस गाड़ियों का क्या करेंगे, क्या कुछ तरीके से वो बैन होती नजर आए, क्या कुछ कहेंगे सरकार की ओर से जो आदेश आया है उसके बारे में क्या। एक नंबर का काला कानून है जी इनके पास, गवर्नमेंट के पास। मेरे को नहीं पता कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो ये बोलता है कि सारी गाड़ी पोल्यूशन करती है। अगर पोल्यूशन करता भी होगा तो इंजन ही तो करता होगा गाड़ी का, जो रिपेयरेबल है, फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, 40-50 हज़ार रुपए में लग के बिल्कुल कंडम इंजन भी बिल्कुल सही हो जाता है। अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर वो इतना कर दे कि ठीक है गाड़ी चेक करो, अगर कोई थोड़ा पोल्यूशन करती है, इनके अपने ही मानदंड है, इनके अपने ही चेक करने वाले सेंटर बने हुए हैं, अगर इनको उन्हीं के ऊपर विश्वास नहीं, अपने बनाए हुए कभी भी पर विश्वास नहीं कि पोल्यूशन कर रही है गाड़ी या नहीं कर रही, तो क्यों सेंटर खोले हुए हैं, क्यों पैसे ले रहे हैं लोगों से 3-3 महीने के बाद। अगर कोई गाड़ी पोल्यूशन करती है तो उसको कोई इंजन रिपेयर करवाओ, कंपनी के थ्रू करवाओ, अपने सरकारी दफ्तर खोल, सरकारी एजेंसियां खोल दो जो इंजन चेक करे प्रॉपर। ये क्या तरीका है कि सारी गाड़ी पोल्यूशन करती है, सारी को तोड़ दो। पेट्रोल गाड़ी जो है वो 5 साल ज्यादा है, डीजल गाड़ी जो है वो डीजल गाड़ी के क्या ऐसे पार्ट पोल्यूशन करते हैं, पार्ट नहीं पोल्यूशन करते भाई साहब, इंजन के कुछ पार्ट होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 10-20 हज़ार रुपए में रिपेयर हो जाते हैं। वो बिल्कुल ये नाराजगी कहीं ना कि किसानों की जुड़ यहाँ पर जायज है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना नुकसान आम जनता को? देखिए किस तरीके से ये कानून लागू किया है, ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है और आम आदमी के ऊपर एक ये बहुत बड़ी चोट है कि कैसे एक स्कूटर से लेके, एक थ्री व्हीलर से लेके, एक कार से लेके, एक ट्रक तक, आज एक ट्रक 40 लाख रुपए का आता है, अगर 10 साल के अंदर वो अपनी किस्त भी पूरी नहीं कर सकता है, एक आम आदमी के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ है। अगर इस प्रकार के कानून अगर ये सरकार लेके आएगी तो एक दिन ये देश भिखारी बन जाएगा।
ये इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और 10 साल में तो गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ता, आज एक एक गाड़ी 4 से 5 लाख चलती है। तो क्या जो ये सरकारी वाहन है, जो ये बसें हैं, क्या सरकार सबसे पहले इनको भी खत्म करने जा रही है? मिलिट्री के अंदर जो ये पुरानी बड़े बड़े टैंकर, ये बड़ी बड़ी जो ये हमारी चीजें हैं, क्या वो 10 साल में निष्क्रिय हो जाएंगी? ये कभी भी नहीं होंगे। ये सिर्फ एक इस देश को बंधुआ मजदूर बनाने का जो ये सरकार जो ये लेके आ रही है, ये बहुत गलत है। इसी प्रकार से ये किसानों के ऊपर भी लेके आए थे, इसी प्रकार से ये जो ये देश को जो बेचने का, ये चंद पूंजीपतियों द्वारा जो देश को बेचने की जो ये प्लान बनाई जा रही है, ये बहुत ही गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। हमने ये पहले भी कहा था, इस देश को आज 4 लोग चला रहे हैं, 2 लोगों ने इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है और 2 लोगों ने इस देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, बाकी लोग यहाँ पे सिर्फ मजदूर बन के रह जाएंगे। आप सोचिए कि कैसे एक स्कूटर जो कार चलाने वाला आदमी, अगर 10 साल में उसकी कार चली ही 10,000 है, कोई कोई आदमी बहुत ज्यादा नहीं चलाता है, कोई ऐसा नियम लाना चाहिए। भाई ये पोल्यूशन का भी जिस तरीके से करते हैं, पोल्यूशन जो है आपने सिर्फ चेक करा लिया, लेकिन गाड़ी चेक नहीं होती है। जो गाड़ियां अगर धुआं फेंक रही हैं, अगर वो सही नहीं है, आप उनको निष्क्रिय कीजिए, फिटनेस सेट हो सकता है इससे। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ ये कानून तय कर देने का कि 10 साल एक आदमी 20 25 30 35 40 साल में भी कमजोर हो जाता है, और एक आदमी 70 साल की उम्र में भी अगर वो अपनी सेहत और अपनी फिटनेस अच्छी रख रहा है, तो वो फिटनेस है तो फिटनेस रखनी चाहिए। तो ये गलत है और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। ये पूंजीपतियों के हाथ देश को बेचने का सबसे बड़ा प्लान है। आज भी अगर आप कोई कार लेने के लिए जाते हैं, कई कई महीने, 8-8 महीने, 6-6 महीने आपको वेटिंग चलती है, गाड़ी नहीं मिलती है, तो आगे क्या हाल होएगा फिर? तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा ये सुझाव, आज एक ट्रैक्टर है, एक किसान कितनी मुश्किल से, मतलब किस्त लेके ट्रैक्टर लेता है, और अगर वो 10 साल में निष्क्रिय हो जाएगा, उसके अलावा आज आपने ये पूरे हरियाणा में लगाया है, पहले ये NCR में था, तो दूसरे प्रदेश की जो गाड़ी आएगी, जो दूसरे प्रदेश की गाड़ी आएगी, आप उसको जब्त कर लेंगे, तो कहाँ जाएगा ये देश? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है कि किस तरीके से जो है 10 और 15 साल की गाड़ी, हालांकि अगर बड़े बड़े ट्रक की बात करें, ट्रैक्टरों की बात करें, इतने में जो है लोग किसानों की जो है बाकी आम जनता की जो किस्तें पूरी नहीं होती, और उसके बाद जो है उसको जो है बैन कर दिया जाता है। देखते हैं कि अब किस तरीके से पुराना मॉडल, लगभग 7 साल पुराना ट्रैक्टर लेकर जो है ताऊ किस तरीके से जिला सचिवालय की ओर चल चुके हैं, और उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी है कि सरकार जो है वो बैन करने जा रही है, काफी पुराना ट्रैक्टर है और देख सकते हैं कि चलता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बावजूद जो है सरकार बैन करती हुई नजर आ रही है। ये नाराजगी अभी किसानों की है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि ये नाराजगी जो है वो आने वाले समय में आम जनता के लिए जो है जरूर पड़ने वाली है, मुश्किलें पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है चलती फिरती गाड़ियां हैं जिनका फिटनेस टेस्ट नहीं किया गया। हालांकि अगर प्रदेश की बात करें, बाहर विदेश में भी बात करें, विदेश में जो है किस तरीके से काफी पुरानी गाड़ियां जो है वो चलती है सड़कों पर, उनका जो है कहने में फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद जो उनको चलाने की परमिशन भी दी जाती है। हालांकि अगर भारत की बात करें, भारत में ऐसा नहीं है, अब जो है आदेश जो है लागू होते हुए जो नजर आ रहे हैं, वही किसानों का जो विरोध है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, कि किस तरीके से जो है पुराने ट्रैक्टर है, पुरानी गाड़ियां हैं, वो अभी तक जो है सही सलामत चलते हुए नजर आ रहे हैं, उसी का जो विरोध है कहीं ना कहीं वो आज जो किसानों में देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर जो है फिलहाल इकट्ठे हुए हैं, और जिला सचिवालय की ओर जो है आगे कूच करते हुए नजर आ रहे हैं, जाट धर्मशाला में इकट्ठे हुए थे, और अब जो है फिलहाल जिला सचिवालय की ओर जो जाते हुए नजर आ रहे हैं। DC को जो है ज्ञापन भी दिया जाएगा कि इस कानून को जाके सरकार तक पहुंचाया जा सके, ताकि आने वाले दिनों में जो है कोई भी परेशानी जो है वो आम जनता को ना देखने को मिले। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ये नाराजगी अभी फिलहाल जो है किसानों को देखने को जरूर मिलेगी, किस तरीके से जो है 10 और 15 साल की जो गाड़ियाँ हैं उनको जो है बैन करने की बात कही जा रही है, और विरोध है वो आज जो है किस तरीके से किसान शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ये नाराजगी जो है वो किसानों की जो है जरूर यहाँ पर देखी जा सकती है। काफ़ी पुराना ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर जो है ताऊ समय सिंह संधू है वो लेकर जो अपना पहुँचते हैं, और जिला सचिवालय की ओर जो आगे कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मुकुल तीजा, कनाल वेकी न्यूज़, करनाल।